तैयार हो लियो भाई, चलो फिर चलते हैं। अरे चले हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तैयार हो चुके हैं भाई, ऑफिस चलते हैं, फिर आके आगे की दिनचर्या दिखाएंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और शीशे पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें आप महसूस कर रहे होंगे। ये थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। टाइम 9:30 के तकरीबन हो रहा है और गले की बैंड बजी पड़ी है। ट्रैफिक है क्योंकि काफ़ी दिनों से छुट्टियों वाला माहौल चल रहा था, तो लोग अब घर से निकल के ऑफिस काफ़ी दिनों में जा रहे हैं, तो आज मारा मारी सी रहेगी। ये रिक्शा वाले भी आगे चल रहे हैं, तो आज बारिश की संभावना है और बारिश आ भी रही है, तो इस वजह से बाइक को अवॉइड करके गाड़ी निकाली है। तो कल तो छोटी मोटी शॉपिंग भी करी, पुराने वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और एक प्लेलिस्ट अपलोड करने के चक्कर में काफ़ी देर तक लेट हो गए। 3 बार वीडियो रिकॉर्ड करी, कभी उसमें ऑडियो नहीं आ रहा, कभी कुछ, तो ये चैलेंजेस थे। फिर उसके बाद कीबोर्ड खराब हो गया, माउस खराब हो गया, वो भी नया लेके आए। तो चैलेंजेस हैं, आज फिर भिड़ेंगे अपनी जिंदगी की चुनौतियों से। और कितना ही सुंदर दृश्य है कि गायें चारा खा रही हैं। चलिए ऑफिस पहुंच जाते हैं और शाम को घर वापस आएंगे जब आपसे बात करेंगे। बूंदे शीशे पे किस कदर हैं, बहुत ही सुंदर मौसम। चलिए भाई, 5:05 हो चुके, घर चलते हैं और घर चल के देखते हैं क्या करना है। वो जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है यूट्यूब पे, उसी को देखते हैं आज और क्या नया अपडेट कर सकते हैं। चलिए घर चलते हैं। चलो भाइयों घर चलते हैं। मायरा इंतजार कर रही होगी और कल तो इतने चैलेंज, इतनी चुनौतियां आ चुकी थी कि लग ही नहीं पा रहा था ये प्रोजेक्ट में कुछ फर्स्ट स्टेप भी उठा पाएंगे। लेकिन हार नहीं माननी यार, हार मान के और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास। हार तो जब माने ना, जब कोई ऑप्शन बचे, तो आज फिर से लगते हैं उसमें, स्ट्रगल में अपनी। देखते हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। प्रोजेक्ट में कितना क्या रहता है, कैसे कंप्लीट होगा कैसे नहीं होगा। घर जाके ऑफिस से जाने के बाद अपने घर वाले ऑफिस में टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा, ताकि उस पर कुछ काम किया जा सके। अगर आप ऑफिस टाइमिंग के बाद अपनी लाइफ में घर पे एक, अगर आपके पास ऑफिस है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अपने किसी स्किल को टाइम देते हैं, तो वो डेफिनेटली आगे जाके आपको बहुत पॉजिटिव वे में आपको बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को पहले नहीं किया करता था, मेरे को नहीं पता था, फिर पता भी था तो ये जॉब ऐसी थी जिसमें टाइम नहीं मिलता था। तो अब थोड़ा बहुत टाइम मिलने लगा है, तो मेन बात ये है कि हमारे ऑफिशियल्स बहुत अच्छे हैं, टाइम मिल जाता है। तो देखते हैं आगे हम लाइफ में कुछ अपडेट कर पाते हैं या तरक्की कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कोशिश जारी है, आप लोगों का साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में आने वाले कुछ दिनों में आपको स्टडी मटेरियल मिलने लगेगा, जिससे कि आपको ये फील नहीं होगा कि यार इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है इस चैनल पे। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि मतलब बहुत जो एक अच्छी क्लास है, वो लोग ये समझते हैं कि यार ये ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग इन सब में टाइम वेस्ट होता है।
लेकिन हर एज में इंसान को अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर एज के हिसाब से, जैसे बुजुर्गों के हिसाब से मेरे चैनल पे शॉर्ट्स मिलेंगे आपको भगवान से रिलेटेड, और यंगस्टर्स के हिसाब से ब्लॉगिंग मिलेगी डेली लाइफ, और जो 45, 40, 55 या फिर जो किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्कूल्स में जाते हैं बच्चों को होमवर्क मिलता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसके रिगार्डिंग अब प्ले लिस्ट आने वाली है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये हर एज के बंदे को कवर अप करे चैनल और कंप्लीट पैकेज हम उनको प्रोवाइड करें। रोड बड़ा शानदार फुल फ्लाईओवर पर चल रहे हैं, आ जाओ दिखा दो। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बारिश आई थी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी, तो इस वजह से गाड़ी बहुत काफ़ी गंदी हो गई है। ऐसे लगेगा अपने ड्रीम के पीछे जा रहा दिख रहा है आपको, दिख रहा है अभी दिखाते हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही है बस इतनी सी दूर। चैनल सब्सक्राइब करो, बस इसको पकड़ लेना। ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है ना, ये टियागो से इसमें ट्रांसफर होना है और आप लोग ही करवाओ। ज़्यादा दूर नहीं है अब ये गाड़ी हमसे, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे इसे, अभी जाने देते हैं। जिस दिन अपनी होगी भूल गए, आराम से बैठेंगे और आप सबको जरूर दिखाऊंगा एक वीडियो। घर के लिए कट ले लिया है वीडियो को, यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं।